हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं एंड आज हम लोग जा रहे हैं कामाख्या टेंपल पर, जो कि असम का एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जगह है एंड एक मस्ट विजिट प्लेस है। एंड अगर आप कहीं कभी भी असम पर आओ तो कामाख्या टेंपल पर ज़रूर विजिट करना। वैसे बहुत पहले 2016 पर एंड 2013 पर हम लोग गए थे कामाख्या टेंपल, बहुत आगे। मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था। सो ऑलरेडी दो बार हम लोग गए हैं कामाख्या टेंपल, ये थर्ड बार जा रहे हैं हम लोग। एंड वैसे कामाख्या टेंपल हम लोगों के घर से बहुत ज़्यादा दूर है, वो नीलाचल हिल्स में है कामाख्या टेंपल। एंड हम लोगों का प्लान था कि हम लोग सुबह 6 बजे निकल जाएंगे, बट 8 बजे निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। सो इस वीडियो में मैं कामाख्या टेंपल का व्लॉगिंग करने जा रहा हूँ। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना एंड प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस, गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं हम लोग एंड हम लोग अभी जा रहे हैं नीलाचल हिल्स, जहाँ पर कामाख्या टेंपल है। एंड उस नीलाचल हिल्स में सिर्फ कामाख्या टेंपल नहीं, बहुत सारे टेंपल्स हैं, 7-8 टेंपल्स तो होंगे। सो कामाख्या टेंपल ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेंपल है उस हिल्स का एंड बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है वो। मैं पूरा व्लॉगिंग करके दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। सो गाइस, वो वाइट कलर का जो टेंपल दिख रहा है उस दूर में पहाड़ में, वो है श्याम टेंपल। सो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड कामाख्या टेंपल विज़िट करने के बाद हम लोग मार्केट में भी जाएंगे शॉपिंग के लिए। सो बहुत देर रात हम लोग घर वापस आएंगे एंड कामाख्या टेंपल पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग भी जाएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होता है आजकल वहाँ पर। आजकल नहीं, बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ होता है रोज। सो 5-6 घंटा तो वहीं पर ही चला जाएगा कामाख्या टेंपल में। हम लोग घर से निकले थे सुबह के 8 बजे एंड अभी 9 बज चुके हैं, पूरा एक घंटा हो चुका है एंड हम लोग ट्रैफिक पर फंसे हुए हैं अभी। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है आज, ओह माय गॉड। एंड कामाख्या के साइड में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, हर तरफ पेड़ है एंड माउंटेन्स, ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये जगह मुझे। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं नीलाचल हिल्स में एंड बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं हम लोग। एंड कामाख्या टेंपल पाने के लिए और भी ज़्यादा ऊपर उठना पड़ेगा। मुझे लगा होगा कि सामने ही होगा, बट बहुत ज़्यादा ऊंचा, बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर है ये कामाख्या टेंपल। एंड मुझे ऑल्टीट्यूड सिकनेस है, मतलब जब भी मैं इतना ऊँचा पहाड़ में उठता हूँ तो मेरा शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एंड रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत अच्छा सीनरी है यहाँ का, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा।
एंड दार्जिलिंग एंड सिक्किम जाने वक्त जैसा रास्ता होता है पहाड़िया रास्ता, बिल्कुल वैसा ही रास्ता है। एंड वैसे मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स पहाड़ ऊंचा पहाड़ में ही होते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कामाख्या टेम्पल एंड अभी 9:30 बज रहे हैं। आते आते डेढ़ घंटा हो गया। एंड कामाख्या टेम्पल के बाहर बहुत सारे ऐसे दुकान है पूजा के सामान खरीदने के लिए, एंड इतना ज़्यादा भीड़ था। आजकल रोज ही कामाख्या टेम्पल पर इतना ज़्यादा भीड़ होता है, भीड़ की वजह से मैं ठीक से व्लॉगिंग ही नहीं कर पा रहा हूँ। सो जब भीड़ कम होगा थोड़ा सा तब मैं करूँगा। सो गाइस, कामाख्या टेम्पल बहुत ज़्यादा बड़ा है, बैक साइड फ्रंट साइड बहुत ज़्यादा बड़ा है ये टेम्पल। एंड अभी हम लोग बैक साइड में हैं अंदर। एंड इस टेम्पल का हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोरीज भी है इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के पीछे। एंड यहाँ कर हमें अभी पता चला है कि आज हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। एंड अगर हम लोग लाइन में जाए तो रात हो जाएगा पूरा दर्शन करते करते। सो इसलिए हम लोग आज दर्शन स्किप कर रहे हैं, बस ऐसे ही बाहर से प्रे करके हम लोग चले गए। सो अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग अंदर लाइन में जाकर ऐसे दर्शन कर ही नहीं पाए। सो गाइस, ये कुछ पिक्चर्स है जो कि मैंने कामाख्या टेम्पल में क्लिक किया था। एंड कामाख्या टेम्पल जाने के बाद हम लोग फैंसी बाज़ार गए थे शॉपिंग करने के लिए, बट पता नहीं कैसे वो वीडियो क्लिप डिलीट हो चुका है। शायद मैंने गलती से डिलीट कर दिया होगा। सो एनीवेज, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट। सो मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।